तुमको क्यों दिखती है। कैसे होती है आवाजें, कैसे होती है आवाजें, हर क्यों बुझे खड़बड़ गड़बड़, अरे हर क्यों बुझे खड़बड़ गड़बड़। अकल लगाते अक्कड़ बक्कड़, बुझे सब कुछ लाल बुझक्कड़। हाँ अकल लगाते अक्कड़ बक्कड़, बुझे सब कुछ लाल बुझक्कड़। क्या नई शैतानी हो रही है? शैतानी नहीं, नली। नली क्या मतलब? मुड़ गई ना। अरे क्या पहेलियां बुझा रही हो? हम नली से देख रहे थे, मुड़ गई और एक गोपू मुझसे लड़ने लगा। तूने ही चीनी दी, तूने ही मोड़ी। यानी तुम पीछे छिपकर मुझे देख रहे थे? नहीं नहीं, हम तो झाड़ी के पार देख रहे थे। झाड़ी के पार यानी मुझे? नहीं नहीं लाल बुझक्कड़ चाचा, हम आपको ढूंढ रहे थे, सवाल पूछना था ना। अच्छा हुआ आप खुद ही इधर आ गए। सवाल? हाँ सवाल। अरे सवाल का क्या है, यहाँ तो चुटकियों पे रखा रहता है जवाब। पूछो पूछो सवाल, पूछो पूछो। वो नली। नली क्या मतलब? हाँ हाँ लाल बुझक्कड़ चाचा, हम आपसे ये पूछने आए थे कि जब ये नली सीधी थी तब तो हम देख पा रहे थे, मगर जब ये नली मुड़ गई तब हम क्यों नहीं देख पाए? हाँ यही तो, हम सीधी नली से क्यों देख पा रहे थे, नली के मुड़ते ही दिखाई देना क्यों बंद हो गया? अरे बुद्धू रानी। बुद्धू रानी नहीं, गीतू रानी। हाँ हाँ गीतू रानी, बड़ी सी अनी। ये भी कोई सवाल है? अरे भाई हम देखते कैसे? आंखों से। हाँ हाँ वही तो, हम भी कह रहे थे कि ये कोई पानी का बहना थोड़ी है। क्या मतलब? पानी टेढ़ी मेढ़ी सभी नलियों से निकल जाता है, अगर पानी डालो तो वो मुड़ी हुई नली से मुड़कर निकल जाएगा, मगर देखना हो तो सीधी नली से ही देखो। समझ गए ना? अब ना पूछना और सवाल। ओहो लाल बुझक्कड़ चाचा, हम तो कुछ और ही पूछ रहे थे कि हम सीधी नली से क्यों देख पाते हैं। चला चला
न काम न दाम कुछ नहीं मिला तो ली नली और हो गए शुरू। चलो चलो बज रहा है। हाँ। अच्छा मुझे समझ में नहीं आता कि हम मुड़ी हुई नली से क्यों नहीं देख पाते। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी आंखें सीधा देखती हूँ? शायद, पर हम तो इस पेड़ को भी देख पा रहे हैं, आसमान को भी और आसमान में उड़ती चिड़ियाओं को भी। पर हम पीछे तो नहीं देख पाते, बगल में देखने के लिए गर्दन मोड़नी पड़ती है। हम गर्दन मोड़कर देख पाते हैं, मगर नली मोड़कर क्यों नहीं? कुछ समझ में नहीं आता। गोपू चलो क्यों ना आज यही खोज करें। हाँ चलो चलो जल्दी चलो। अच्छा गीतू बताओ तो सही, हम किसे देखते हैं? आँखों से। मगर जब अंधेरा हो तब? अंधेरे में तो उल्लू देखता है। गोपू भैया रुको, जरा मैं खोज की कॉपी उठा लूं। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे? देखने के लिए चाहिए पहला आंखें, दूसरा रोशनी, है ना? देखने के लिए चाहिए पहला आंखें और दूसरा रोशनी। हाँ यही, हमें देखने के लिए आंखें और रोशनी दोनों चाहिए। यानी जब किसी चीज पर रोशनी पड़ती है तब हम देख पाते हैं। पर हम सीधा ही क्यों देखते हैं? या फिर हमारी आंखें सीधा देखती है या रोशनी ही सीधी पड़ती है? चलो देखे, मैं अंधेरा करता हूँ। अरे गीतू टॉर्च की रोशनी सीधी पड़ रही है। अरे मोमबत्ती की रोशनी चारों ओर फैल रही है। अब दूसरी ओर रोशनी नहीं है, पर इस छेद से रोशनी सीधी दिख रही है। अच्छा अच्छा खोज हो रही है, पर ये अंधेरे में क्यों बैठे हो मोमबत्ती और टॉर्च लिए हुए? आपको देखने के लिए। लेकिन मुझे तो तुमने देखा नहीं और मैंने तुम्हें देख लिया, सोचो भला क्यों? क्योंकि रोशनी आप पर नहीं हम पर पड़ रही थी। और अब लाल बुझक्कर
चाचा कंघी कर रहे हैं। लाल बुझक्कड़ चाचा, जरा अपनी कंघी तो दिखाना। अरे, कंघी के दांतों में से सीधी लाइन में पड़ रही है रोशनी। कुछ समझ में नहीं आता। रुको, मैं दीदी को बुलाती हूँ। अरे रोशनी तो करो। अब ये कंघी तो मैं रख लूँ? नहीं नहीं, दीदी आ गई। अच्छा अच्छा, बच्चों की दीदी जी आ गई। पर ये तो शायद मैं भी बच्चों की दीदी ही हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ये बच्चे जरा अकल के कच्चे हैं, बड़े अच्छे पर जरा परेशान करते हैं जी। दीदी देखो देखो, कंघी से रोशनी सीधी बढ़ रही है। समझ में नहीं आता कि ये हम सीधा देखते हैं या ये रोशनी सीधी पड़ती है। अरे भाई वाह, तुमने तो बड़ी अकलमंदी की बात पता लगाई है। तुम्हारी खोज बिल्कुल ठीक है, रोशनी यानी प्रकाश सीधा ही पड़ता है। हाँ, वही तो मैं भी कह रहा था कि ये कोई पानी थोड़ी है जो इधर उधर घूम घाम कर रहा है। अरे भाई, रोशनी है रोशनी है। हाँ, इसीलिए तो हम सीधी नली से देख पाते हैं। अगर नली मुड़ जाए तो रोशनी के रास्ते में रुकावट आ जाती है। हाँ दीदी, हमने मोमबत्ती के सामने गत्ता रखा था, तब उसके पार रोशनी नहीं पहुंची। हाँ, पर कुछ कुछ रोशनी तो चारों तरफ थी। देखो, मोमबत्ती जलाने पर उसकी रोशनी चारों ओर फैलती है। अगर उसके सामने गत्ता रख दे तो उसके रास्ते में रुकावट आ जाती है। पर कुछ रोशनी जो गत्ते के ऊपर से होकर जा रही है, वो चारों तरफ रोशनी फैलाती है। यानी प्रकाश हमेशा सीधा ही आता है। हाँ, कभी सूरज की किरणें देखी हैं? हाँ। चारों ओर सीधी रेखा में ही पड़ती हैं। और कभी बंद कमरे की दरार से पड़ती रोशनी देखी है? उसके रास्ते में धूल के कण कैसे चमकते दिखते हैं? कभी सोचा है क्यों? ये धूल के कणों को भी सीधा चलने की आदत होगी रोशनी की तरह नाक की सीध में। पर धूल तो कमरे में चारों तरफ होती है। पर क्योंकि एक सुराख से आने वाली रोशनी सीधी रेखा में ही आएगी, इसलिए केवल उसके रास्ते में आने वाले धूल के कण ही हमें दिखेंगे। क्योंकि जिन चीजों पर रोशनी पड़ती है वही हमें दिखाई पड़ती है। हाँ, दराज से प्रकाश वैसा ही आएगा ना, जैसे छेद वाले गत्ते के सामने मोमबत्ती जलाने पर आ रहा था। अरे हाँ, आओ एक प्रयोग करके देखते हैं। जरा गत्ते तो देना। हाँ, तीन। अब इन तीनों गत्तों पे हम बराबर ऊंचाई पर छेद करते हैं। छेद करने को कुछ? अब इन तीनों गत्तों को इस प्रकार रखते हैं कि ये छेद एक सीधी रेखा में हो। एक सींक डालकर देखना है कि ये छेद सीधी रेखा में है या नहीं। अब मेरे पास ये। हाँ, बिल्कुल ठीक। अब ये तीनों छेद एक सीधी रेखा में है। इस गत्ते के इस तरफ मोमबत्ती जल रही है। अब आखिरी गत्ते के उस तरफ से देखो। हाँ, मोमबत्ती की लौ दिखती है। मजाक करती हैं, कहाँ है लौ?
ये गत्ता जो खिसक गया। क्योंकि रोशनी या प्रकाश सीधी रेखा में ही जाता है, इसलिए जब तीनों छेद एक रेखा में थे तो मोमबत्ती की लौ हमें दिख रही थी। गत्ता खिसकने से छेद एक रेखा में नहीं रहे और इसलिए मोमबत्ती की लौ नहीं दिखी। रोशनी के रास्ते में रुकावट आ गई, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी नली में थी। इसका मतलब है दीदी जी, अगर हम गत्ता ना हिलाते तो आपका प्रयोग अधूरा रह जाता। अरे हाँ गीतू, कोई पुराना डिब्बा या पेटी हो तो लाना जरा। पेटी? भला क्यों? ये सब सामान रखना होगा। वैसे तो ये सब मेरे झोले में भी आ जाता। हाँ बिल्कुल ठीक। अब इस डिब्बे के इस तरफ एक छेद करते हैं। ठीक गीतू, जरा धूप बत्ती तो देना। अब ये धूप बत्ती इसमें रख देते हैं। अब हमें एक ऐसा कागज चाहिए जिससे हम देख भी सके और ये धुआं भी डिब्बे में भर जाए। ये बात होगा जी, ये। हाँ गोपू गीतू, जरा ये कागज तो पकड़ना। अब इस छेद से टॉर्च की रोशनी डालते हैं। देखो रोशनी कैसी आती लगती है। दीदी हमें तो कुछ नहीं दिखता। गोपू जरा बत्ती तो बुझाना। अब देखो कैसी दिखती है रोशनी। सीधी, बिल्कुल सीधी। भाई जरा रोशनी तो करो अब। हाँ समझ गया समझ गया। अब बोलो मेरे साथ, पड़े रोशनी सीधी रे, पड़े रोशनी सीधी रे, चले रोशनी सीधी रे, चले रोशनी सीधी रे, नई रोशनी मुड़ती रे, नई रोशनी मुड़ती रे, नई रोशनी झुकती रे, नई रोशनी झुकती रे।